हाय एवरीवन, तो जिन लोगों ने मेरी दूसरी वीडियो देखी होगी उन लोगों को पता होगा कि मैं अप्रैल 2022 में टीबी मैनिंजाइटिस से डायग्नोस हुई थी। और उसमें मैंने अपनी पूरी स्टोरी बताई हुई है कि क्या क्या चीज़ें हुई मेरे साथ, कैसे कैसे हुई। बट ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं उस वीडियो के थ्रू और काफ़ी क्वेश्चन होते हैं उनके। और समटाइम्स मैं बिजी होती हूँ और इंस्टाग्राम पर भी लोग मुझे मैसेज करते हैं तो मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, एंड आई रियली फील सॉरी। तो इस वीडियो में आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग कि क्या मतलब है उसका, क्या 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 उसके सिम्टम्स होते हैं और क्या कैसे उनको क्लियर करनी चाहिए। तो टीबी मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं? आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है सर में, बैक में, नेक में, तो और पेन बहुत ही ज़्यादा टेरेबल होता है, आपसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता क्योंकि, और थकान बॉडी में या फीवर आना या फिर नाइट स्वेट भी एक सिम्टम होता है जो इनिशियली मुझे हुआ था कुछ टाइम तक। रात में आपको पसीना आता है पूरी बॉडी में, और वॉमिट भी एक सिम्टम है कि मेरे को इतना ज़्यादा पेन होता था और फिर उसके बाद वॉमिट हो जाती थी और मैं कुछ भी खा नहीं पाती थी, क्योंकि मैं कुछ भी खाती थी तो वो वॉमिट भी निकल जाता था। तो टीबी मैनिंजाइटिस क्या है? टीबी मैनिंजाइटिस फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पार्ट्स में समझते हैं कि टीबी मैनिंजाइटिस टीबी बैक्टीरिया से होता है। तो यहाँ हम मैनिंजाइटिस जो होता है वो टीबी की वजह से होता है। तो टीबी जो हमारे लंग्स की बीमारी होती है, जो कि यूजुअल क्वेश्चन सबसे पहले यही होता है कि क्या ये कंटेजियस होता है, तो हाँ, क्योंकि लंग्स की बीमारी है तो सलाइवा से या जूठा खाने से, ये वो भी इनिशियल टाइम में कंटेजियस होता है। जैसे ही उसका ड्रग स्टार्ट हो जाता है किसी टीबी पेशेंट का, तो उसके कुछ टाइम के बाद वो कंटेजेंसी खत्म हो जाती है। और अब आती है बात मैनिंजाइटिस की। जो तो जब टीबी लंग्स की जो बीमारी है वो लंग्स से बॉडी के किसी भी पार्ट में फैल सकती है, और जब ये बीमारी लंग्स से ब्रेन में पहुंच जाती है, ब्रेन को जब अफेक्ट करता है ट्यूबरक्लोसिस, तब इसको हम टीबी मेनिनजाइटिस या फिर ब्रेन टीबी बोलते हैं। तो एक्चुअल में मेनिनजाइटिस होता क्या है? सब किसी भी नॉर्मल बॉडी में टिश्यूज होते हैं हमारे ब्रेन के अराउंड और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड, तो उन टिश्यूज में एक्स्ट्रा जो हमारा फ्लूइड होता है वो जनरेट होता है, जो कि CSF फ्लूइड होता है, और वही फ्लूइड फिर हमारे जो टिश्यूज होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हर किसी के बॉडी में होता है, बट बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस जब इफेक्ट पड़ता है ब्रेन पर और स्पाइन पर, तो उस इफेक्ट की वजह से जो टिश्यूज होते हैं वो उस फ्लूइड को एब्जॉर्ब करना बंद कर देते हैं, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जैसे जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो आपके सर में जो आपके टिश्यूज हैं ब्रेन के अराउंड, वहाँ पे वो फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, और वही चीज़ आपके स्पाइन में भी होती है, जिसकी वजह से ही आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है और बहुत ही प्रॉब्लम्स होती हैं, और फिर वो डैमेज भी करने लगता है, एंड इट्स वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस होता है वो। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि टीबी मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट क्या है। जैसे ही आप डायग्नोस होते हो आपका आपके टीबी के ड्रग स्टार्ट हो जाते हैं, ताकि जो आपका एक्टिव टीबी बैक्टीरिया है आपके अंदर उसको ख़त्म किया जा सके, और जिसके लिए मेडिसिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और कुछ लोग कॉन्शियस नहीं होते हैं तो उनको IV के थ्रू देते हैं, अगर कोई ले सकता है तो उसको टैबलेट्स दी जाती हैं। तो मैं पहले आईवी के थ्रू कुछ टाइम तक मुझे दी थी, फिर उसके बाद मैंने टैबलेट स्टार्ट कर दी थी हॉस्पिटल में ही। तो मैं कोई मिस्टेक नहीं करना चाहती, इसलिए मैं स्क्रीन पर बता रही हूँ कि मैं ये मेडिसिन लेती थी, और जब मैं डिस्चार्ज भी हुई थी तब भी मैं यही मेडिसिन ले रही थी, और मैं डिस्चार्ज जून 2022 में हुई हूँ हॉस्पिटल से, और उसके बाद अभी तक मैं ये मेडिसिन ले रही हूँ। अभी जनवरी 2023 चल रहा है, स्टिल डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है कि नेक्स्ट अप्रैल तक, टू से कि 12 महीने तक मुझे ये मेडिसिन लेनी होगी। तो ये मतलब उस वक्त मैं सारी मेडिसिन ले रही थी, जैसे एंटीबायोटिक्स या अदर पेन किलर्स, बट अब सिर्फ मैं टीबी की मेडिसिन लेती हूँ, जो टीबी कोर्स है वही चल रहा है, अब कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन मैं नहीं लेती। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे मैं सबसे क्लियर करना चाहती हूँ, जो भी लोग ये देख रहे हैं वीडियो जस्ट टू गेट इन्फॉर्म, हर किसी की बॉडी अलग होती है, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ें जिस तरह से मेरी बॉडी ने रिएक्ट किया है उस तरह से किसी और की भी बॉडी रिएक्ट करे। सब सारी चीज़ें फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, आपकी इम्यूनिटी, आपकी एज, आपका एनवायरनमेंट है वो कैसा है, हेल्दी है या नहीं है, और सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। तो यू डोंट नो कि हाँ, अगर मेरे साथ जो भी चीज़ें हुई हैं वही सब चीज़ें आपके साथ भी हों, या जो भी सफ़र कर रहा है उसके साथ भी हो, ठीक है। तो बट स्टिल एक आइडिया आपको मिल जाएगा, जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं उस तरह की चीज़ें होती हैं, यूजुअली उस तरह के ही चीज़ें फेस करते हैं लोग टीबी मेनिंजाइटिस में। टीबी मेनिंजाइटिस को जो फ्लूइड वाला प्रॉब्लम है, जो CSF फ्लूइड एक्स्ट्रा इकट्ठा होता है, उसको कैसे ठीक किया जाए? तो
अब इसके सॉल्यूशंस होते हैं कि लंबर पंचर किया जाता है, लंबर पंचर में लोग लंबर पंचर में आपके स्पाइनल कॉर्ड में एक निडल डालते हैं जिससे कि एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकाल लें, और वो मेजरमेंट के लिए भी यूज होता है कि मैं उससे एक आइडिया मिल जाता है, एग्जैक्ट नहीं होता बट एक आइडिया मिल जाता है कि कितना प्रेशर है अभी और कितना होना चाहिए। ये करते हैं जिससे कि प्रेशर कम हो जाए, और कोई अगर अनकॉन्शियस है, किसी का ब्रेन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, किसी को सीजर हो रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यही करते हैं कि ये लंबर पंचर करते हैं। ठीक है, अब लंबर पंचर से भी अगर सपोज कोई फायदा नहीं होता है तो फिर दूसरा सॉल्यूशन उनके पास होता है लंबर ड्रेन का। लंबर ड्रेन में वो एक ट्यूब होती है जो आपकी स्पाइन में डाल देते हैं, स्पाइन से कनेक्ट हो जाती है, और जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड अगर आपके उसमें बन रहा है आपकी बॉडी में, और वो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ टीबी वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है टिश्यूज में, तो वो उस ट्यूब के जरिए बैग में इकट्ठा होगा, और जिससे कि आपको यू विल फील बेटर। तो डॉक्टर्स यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे आपको वो टीबी का ड्रग्स आप साथ में ले रहे हो और साथ में लंबर ड्रेन है, तो वो कुछ टाइम तक आपको सपोर्ट करेगा, और उसके बाद फिर जब टीबी आपका बैक्टीरिया आपका डाउन हो जाएगा तो वो नॉर्मल हो जाएगी आपकी बॉडी। बट ये केस सबके साथ नहीं होता है। अब सपोज किसी का अगर बहुत ही ज्यादा लेवल पे टीबी बढ़ गया है तो वो उस टाइम के अंदर वो ठीक नहीं होगा ऑब्वियसली, और जब वो ठीक नहीं होगा तो आप अगर मेरे साथ भी यही केस हुआ था कि लंबर ड्रेन को निकाल लिया था एंड आई वॉज फीलिंग बेटर, मुझे लगा कि अब ठीक हूँ मैं, और एक हफ्ते बाद ही मुझे दोबारा से बहुत ज्यादा पेन होने लगा सर में और बैक में। तो उसकी वजह से वो उसका रीजन ये था कि जो जब उन्होंने निकाला उसको ट्यूब को लंबर ड्रेन को, तो दोबारा से वो चीज बनने लगी, वो प्रेशर दोबारा से बनने लगा क्योंकि टीबी उस वक्त भी ठीक नहीं हुआ था। ठीक है, और इसका फिर सॉल्यूशन नेक्स्ट आता है कि सर्जरी। सर्जरी में एक होता है वीपी शंट और दूसरा होता है एलपी शंट। तो वीपी शंट में क्या करते हैं, वीपी शंट में आपके स्कल में जो होता है एक डिवाइस लगाते हैं जिसमें एक आपकी ट्यूब होती है, वो आपके स्पाइन से निकल के जाती है। मुझे एक्चुअल में फंक्शन नहीं पता उसका कि क्या होता है, बट उसमें भी वो इसीलिए किया जाता है ताकि आपके ब्रेन में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको निकाल दिया जा सके यूरिन के थ्रू। ठीक है, बट फिर दूसरा, बट ये कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा होती है क्योंकि इसमें आप ब्रेन को टच कर रहे हो। बट दूसरा एक सोल्यूशन होता है एलपी शंट, जो बहुत ज्यादा यूजुअल नहीं है इंडिया में, स्पेशली लोग वीपी शंट ही कराते हैं, मतलब वीपी शंट ही होता है हॉस्पिटल्स में। बट मैं यूके में थी तो मैंने एलपी शंट कराया था, मुझे एलपी शंट ही कराया था उन लोगों ने, डॉक्टर्स ने, तो मुझे ज्यादा पता भी नहीं था। एलपी शंट में ये करते हैं कि रैदर देन गोइंग टू ब्रेन, ब्रेन को नहीं छेड़ते हैं वो लोग, स्पाइन में ही वो एक ट्यूब को इंसर्ट कर देते हैं जो कि आपका एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है उसको यूरिन में निकाल सके। तो मुझे एलपी शंट की सर्जरी हुई थी मेरे साथ, और उसके बाद मैं बहुत ज्यादा बेटर फील कर रही थी। ऑल्दो उसमें भी बहुत टाइम लगा था धीरे धीरे इंप्रूव करने में, ऐसा नहीं होता कि आप सडनली ठीक हो जाओगे या एकदम से आपको कुछ चमत्कार हो जाएगा, नहीं, क्योंकि टीबी मेनिंजाइटिस या ट्यूबरक्लोसिस बहुत ही डेंजरस बीमारी है और बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है इसको ठीक करने का। दूसरा क्वेश्चन होता है कि नॉर्मली सब पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा ठीक होने में, कितना टाइम लगेगा, और मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी यही सोचती थी उस वक्त, और मैं तो 2 महीने हॉस्पिटल में थी तो मुझे पता है कि काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है और बहुत ही घबराए होते हैं लोग आपकी फैमिली में, आप खुद। तो इसका मैं एक ही आंसर दूंगी कि इट डिपेंड्स, वही सेम आंसर है कि सबकी बॉडी अलग होती है और सबके स्ट्रेंथ, सबकी इम्यूनिटी अलग होती है, तो यू डोंट नो कि आपके साथ जो हो रहा है वही दूसरे के साथ होगा, मुझे भी नहीं पता। बट मुझे टाइम लगा था कि मैं 2 महीने हॉस्पिटल में रही थी, उसके बाद भी मैं फिर इंडिया चली गई थी, तो इंडिया में मैं 2-3 महीने रही हूँ और वहाँ पे भी मैं बिल्कुल 100% ठीक नहीं थी। जब मैं वापसी आई हूँ सितंबर में, और उस वक्त भी मुझे थोड़े थोड़े सिम्टम्स होते थे कि थकान होती थी और मैं 100% एकदम स्ट्रेंथ फील नहीं कर पाती थी, बट स्टिल मैं कह सकती हूँ कि आई स्टार्टेड फीलिंग बैक टू नॉर्मल इन सेप्टेम्बर। अब देख लो, आपकी डायग्नोस में अप्रैल में हुई थी और उसके बाद सेप्टेम्बर में जाके मैं बोल सकती थी कि हाँ, अब मेरे को लग रहा है कि मैं वापसी पहले जैसा फील कर रही हूँ। ठीक है, तो काफ़ी टाइम लगता है, कुछ लोगों को मैंने काफ़ी और लोगों के भी वीडियोज़ देखे हैं और एक्सपीरियंसेस देखे हैं, कुछ कुछ लोगों का 1 साल से ज़्यादा हो जाता है, कुछ लोग बेड पे ही रहते हैं 3-3 4-4 महीने तक। मैं फॉर्चुनेटली मैं इतने दिन नहीं रही थी,
और हाँ, बट स्टार्टिंग सिचुएशन मेरे साथ भी ऐसी ही थी कि मैं बेड पे ही थी, मैं कुछ भी बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद से बैठ भी नहीं पाती थी, ठीक है। तो बट स्लोली वो रिकवर होने लगा। मुझे इतना पता है कि अगर आपके पास स्ट्रेंथ है अच्छी, इम्यूनिटी है अच्छी, आपके साथ आपकी फैमिली है जो आपको सपोर्ट कर रही है इमोशनली फिजिकली, तो डेफिनेटली आप ठीक होगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यू हैव टू बी पॉजिटिव और आई एम श्योर कि ये क्योरेबल है 100%। मैं मेरी वीडियो से आप देख सकते हो कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, और ऐसे मैंने और भी वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग बिल्कुल ठीक हुए हैं, तो यू शुड बी पॉजिटिव। अब यहाँ खाने की बात होती है। मैंने सुना है इंडिया में डॉक्टर्स थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस देते हैं कि ये खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं यहाँ पे थी यूके में तो मैं पूरी तरह से अलाउड थी, कुछ भी खा सकती थी, और ऑल दो मैंने पूछा भी था खुद से डॉक्टर से कि क्या मुझे कुछ अवॉइड करना चाहिए, तो उन लोगों ने मुझे कुछ भी अवॉइड नहीं कराया था, मैं कुछ भी खा सकती थी। तो अच्छा खाओ और हेल्दी खाओ, सैलेड, अगर आप वेजिटेरियन हो तो न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खाओ, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें आप खा सकते हो, फ्रूट्स खाओ, नॉन वेज अगर आप खा सकते हो, जो मीट खाते हैं उनके लिए वो अपना चिकन वगैरह इस तरह की चीज़ें खा सकते हैं जिससे कि उनको अच्छे न्यूट्रिशंस मिले। अब यहाँ बात आती है विजन की, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि टीबी मेनिंजाइटिस में एक कॉमन सिम्टम होता है जिसमें कि आपको ब्लर दिखता है, आपको डबल विजन होता है, और क्योंकि मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई थी, और इनिशियली तो मैं अपना बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी, मतलब मुझे बस शेडोज दिखती थी, मेरा विजन बिल्कुल चला गया था। ऑल दो 80% आप कह सकते हो कि विजन जा चुका था, मुझे बस लाइट दिखती थी, अगर कोई आसपास जा रहा है तो बस शेडोज दिखती थी, कुछ नहीं दिखता था। और वो सब इसी वजह से होता है क्योंकि ब्रेन में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। दूसरा, आपकी जो टीवी बैक्टीरिया होता है वो आपके नर्व सिस्टम को अटैक करता है, और नर्व सिस्टम ही आपके जो आईज को कंट्रोल करता है ना, वो आपका नर्व सिस्टम ही करता है, जिसकी वजह से आपके विजन में प्रॉब्लम आने लगती है। और साथ में मेरे को टोसिस भी हुआ था जिसमें मेरी एक लेफ्ट आई बिल्कुल बंद हो गई थी, और आई कुडन ओपन दिस आई, और उस टाइम तो यही लगता था कि पता नहीं ये ठीक होगा या नहीं होगा। और यूजुअली सब मेरे से पूछते भी हैं जो भी लोग वीडियो देखते हैं कि विजन वापसी ठीक होगा या नहीं होगा, लोग बहुत डर जाते हैं, और हम भी डरे हुए थे। तो और उस स्पेक्स मुझे ग्लासेस मुझे पहले से लगे हुए थे, बट मेरे ग्लासेस का जो प्रिस्क्रिप्शन था वो 2.5 था, बट मेरी सर्जरी के बाद सडनली वो धीरे धीरे ठीक होने लगा, और ग्रेजुअली वो बिल्कुल ठीक हो गया, बट स्टिल मेरा प्रिस्क्रिप्शन बढ़ गया। अब मेरा प्रिस्क्रिप्शन 3.5 है, और मैं यही बोलूंगी कि आप लोगों को, डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं कि क्योंकि 100% गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं इसके टीबी मेनिंजाइटिस के, कुछ लोगों के अब इतना ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है कि कुछ प्रॉब्लम शायद हमेशा रहेंगी, इसी वजह से डॉक्टर्स कभी भी 100% श्योरिटी नहीं देते हैं, मुझे भी नहीं देते थे कि मैं पूछती थी क्या ये टोसिस ठीक हो जाएगा, क्या मेरा विजन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो सब यही बोलते थे कि डॉक्टर्स के 100% गारंटी नहीं है, बट आफ्टर सम टाइम ठीक हो सकता है। तो यही मैं दूसरे लोगों को भी बोलती हूँ कि 100% श्योरिटी नहीं होती है, बट इवन दो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आप ठीक हो जाता है वो, क्योंकि वो टीबी की वजह से होता है, और टीबी अगर आपका ठीक होगा मेडिसिन से तो जो उसके इफेक्ट्स हैं वो भी मिनिमम हो जाएंगे। मतलब कुछ हो सकता है कि मे बी कुछ, जैसे मेरा मेरे साथ अब ये जो मेरा प्रिस्क्रिप्शन बढ़ गया है ये हमेशा रहेगा ऑब्वियसली, तो इस तरह का कोई इफेक्ट मे बी शायद आपके साथ रहे, बट टीबी मेनिंजाइटिस 100% क्योरेबल है। अब एक क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेंथ आपकी कैसे रहती है पूरे ट्रीटमेंट में बॉडी की, और कैसा फील करते हो आप, तो इसका भी इसके भी इफेक्ट, मतलब हर किसी की बॉडी अलग होती है तो यू डोंट नो, बट मैं भी बेड पे थी एटलीस्ट आई थिंक 1 महीने तक, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, बेड पे ही थी और बिल्कुल भी नहीं, कुछ से खुद खुद से चलना भी नहीं होता था मेरे से, बट फिर मुझे ये भी लगा कि मे बी शायद अब मैं नॉर्मली कभी नहीं चल पाऊंगी पहले की तरह, बट ऐसा नहीं था, आई गेव माई बेस्ट। मैंने रनिंग करना शुरू किया जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई, मतलब तभी नहीं, आई वुड से कि 6-7 मंथ्स के बाद, या 6-7 मंथ्स के बाद जब मैं बिल्कुल ठीक फील करती थी तो मैं पुश करती थी कि रन करूं, ताकि रनिंग करने की वजह से आपकी जो बॉडी होती है वो आप
रनिंग कभी भी कोई एक किसी की बॉडी में अगर प्रॉब्लम होगी तो वो रनिंग नहीं कर पाएगा, मतलब ही नहीं बनता. तो इसलिए आई ट्राइड कि एटलीस्ट मैं ट्राई करूं, और एक्चुअली आई कुड डू इट. तो मुझे लगता है कि आप लोग जितने भी लोग सफर कर रहे हैं इससे, तो उनको बस पॉजिटिविटी की ज़रूरत होती है, 100% पॉजिटिविटी की, फैमिली सपोर्ट की, और हेल्थ, अच्छे हेल्थ केयर की. तो और अगर सब कुछ चीज़ें सही टाइम से मिल रही हैं तो 100% आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कोई इसमें डाउट नहीं है. ऑल दो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें टीबी का इफेक्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैंने ये भी देखा, एक केस मैंने सुना था कि वो 24 मंथ्स तक वो बेड पे ही था. तो उन केसेस के बारे में मुझे नहीं पता है कि वो उसके उनका क्या सोल्यूशन होता है, या फिर वो डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं अगर इस इतना एक्सट्रीमली इफेक्ट हुआ है तो, ठीक है. बट जितना मेरे साथ हुआ है उतना अगर आपके साथ हो रहा है तो आई एम 110% श्योर कि आपका विजन भी वापसी आएगा, आपके स्ट्रेंथ भी वापसी आएगी, और एवरीथिंग विल बी फाइन. बस आपको पॉजिटिव रहना है. आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा टेक्स्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, और ऑब्वियसली मैं भी बिजी होती हूँ, और या मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ टाइम पे. और मुझे पता है, 100% मुझे ये चीज़ पता है कि आप जब सफ़र कर रहे होते हो इस प्रॉब्लम से, या आपका कोई फैमिली मेम्बर सफ़र कर रहा होता है, तो आप बहुत ही बुरी हालत में होते हो, आप बहुत घबराए होते हो, आपको पता नहीं होता कि चल क्या रहा है, क्या करना चाहिए. एंड आई एम रियली सॉरी अगर मैं आप लोगों का कोई कमेंट का रिप्लाई सडनली ना कर पाऊँ, क्योंकि आई वुड रियली लव, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ. ये आई होप कि इस वीडियो से आपको बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं. बाकी उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो बेझिझक आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, एंड मैं आपको जितना जल्दी हो सकेगा आपको रिप्लाई करूँगी. एंड ऑल्सो मैं और भी वीडियोस बनाती हूँ, यूजुअली अपने एक्सपीरियंस की, या फिर मैं व्लॉग भी बनाती हूँ. तो आप अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जस्ट वॉच माई अदर वीडियोज एज वेल. थैंक यू सो मच.